तो हम लोग अभी चल रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ, और अभी हम लोग अटारी बॉर्डर से निकले हैं और अभी रास्ते में ही है, तो बस अभी जाके गाड़ी वाड़ी पार्क करके देखेंगे कैसा है वहाँ पे, क्या दिक्कत रहे हैं, मतलब पार्किंग वार्किंग सुना है कि काफ़ी फुल हो जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद मिल जाए, तो गाड़ी वाड़ी लगा के फिर अपन लोग घूमेंगे आराम से गोल्डन टेम्पल घूमने का, जो अपना मूड है पूरा सेट है। गाड़ी में लोग मार दे रहे हैं यार, गाड़ी में सारे लोग टक्कर मार दे रहे थे उधर से। भाई पार्किंग का बहुत बुरा हाल है। तो हमने और रॉकी भाई ने डिसाइड किया कि भाई अपन गाड़ी लगाएंगे होटल में ही, और उससे हम लोग वहाँ से जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन जो भी होगा लोकल। तो ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद सौदा रहा फिलहाल, अभी जा रहे हैं क्योंकि यार पहले पहले जाम में परेशान था, उसके पार्किंग के लिए परेशान। हाँ गंजी का मजा लिया जा रहा है भाई अभी। अब जा रहे हैं भाई हम लोग मंदिर की तरफ। इधर से इधर से। हाँ जूते उतार लिए करें हमने, पानी में घूम रहे पानी के पास। भाई शूज वगैरह उतार के शूज जमा कराएंगे हम लोग। हाँ देखो हेलो दोस्तों, बाकी टीम आ रही है भी अंदर से, उनका वेट चल रहा है। क्या गया तो जूते वगैरह कलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे, और अभी कितना सुंदर और बहुत ही खूबसूरत दृश्य, जूते वगैरह कलेक्ट करके अब हम लोग आ गए इधर। शनि मंदिर भी है यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई बड़ी मुश्किल से हमको एक सवारी मिली है यहाँ पे, टीम बैठी टीम। आज मैंने बड़े जेठ जी को फंसा दिया। पुराने जमाने में जेठ जी को हाथ नहीं लगाते थे, यहाँ पे लात घूंसे चल रहे हैं। अरे यार भाई क्या करें, पिट रहे हैं भूख तो लग रही है। ये हमारी टीम जा रही है पूरी की पूरी। अबे ये अबे आधे पेट टूट गया मुझे लग रहा है। इन लोगों ने खाया नहीं खाना बेचारों ने यार। ए राम ए राम, शर्म के मारे उठ गए रे तुम भी बेचारे। तो वो तो खा सकते थे वो कड़ी। अरे यार रॉकी खाना टेस्टी था भाई, एकदम मजा आ गया यार खा के। गाड़ी में रखी है साड़ी। अच्छा हेलो दोस्तों, तो आज का दिन तो हो गया खत्म, अपने रूम में हालत आउट हो गई थोड़ा सा, रेस्ट और आप कल मिलते हैं।
आज का ट्रिप बहुत अच्छा रहा, मतलब जो हमारा अटारी बॉर्डर वाला जो विजिट था वो भी बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने लोगों ने उसमें। और अब अभी शाम को अमृतसर गए थे, मतलब कि हम थोड़ा सा दर्शन नहीं कर पाए लेकिन बाकी लोगों ने दर्शन किया, उनको भी काफ़ी अच्छा रहा और लंगर भी हम लोगों ने किया वहाँ पे, बहुत मज़ा आया। उसके बाद बस बाकी होटल में पहुँचे और टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पे 12:34, तो समय भी काफ़ी हो चुका है, तो सोते हैं और कल मिलते हैं आपसे। तो तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, जय श्री राम, जय हिंद, गार्गी गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आया दूसरा दिन अमृतसर में, तो अभी हम लोग सुबह उठ के रेडी वगैरह हो गए हैं अपना निकलने के, चेकआउट करने की तैयारी, और अब जाके नीचे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और उसके बाद निकलते हैं घूमने के लिए। तो दो कैटेगरी और है अगर भाई, पेमेंट वगैरह हो गई है यहाँ पे और अब निकलने का तैयारी करते हैं यहाँ पे, बिलिंग विलिंग सब हो गई है। तो मतलब मारपीट के बैठा काफी कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया यहाँ पे मेरी बीवी ने, अगली बार से इन्होंने अपने आने के लिए वो बंदिश लगा दी है, अगले बार से हम ये बैग, अगले बार से खाली लौटने पड़ेंगे। चलो भाई चेक आउट, मेरी बेटी की वही सफर खत्म, सामान वामान सब सेट हो गया और ये था अपना होटल रेगालिया जो काफी खूबसूरत था यार, बहुत अच्छा यार। यहाँ पे बिहाइंड द सीन चल रहा भाई, एकदम को तगड़ा देख। तो भाई हमने गाड़ियाँ लगा दी हैं, सारा गाड़ी पार्किंग, कार पार्किंग में, और अभी हम लोग यहाँ से गाड़ियाँ पार्क करके भाई अब जा रहे हैं ई रिक्शा पे, क्योंकि लोकल में गाड़ी लेके चलने का कोई फायदा नहीं है। बहुत है बाय बाय, रेस होगी रेस। अब इधर देखो रे, उंगली उधर करो रे, नहीं सही आ रही है उंगलियाँ, नहीं आ रही। देखो भाई बहुत भसड़ है, टाइम लगेगा। तो भाई हर जगह बहुत भीड़ भाड़ है, यहाँ पे बहुत टाइट गलियाँ हैं, वन वे किया हुआ है कहीं पे, मतलब कुछ कुछ जगहों पे वन वे हुआ है, क्योंकि देखो आप बहुत दिक्कतें हो रही हैं गाड़ी ले आने, तो मतलब बहुत दूर की बात है, ई रिक्शा ही सबसे बेस्ट है क्योंकि आराम से आप कहीं भी इधर से उधर जा सकते हो। और अभी हम लोग जा रहे हैं केसरदा ढाबा यार, ये बहुत दिक्कत की बात है यार कि मतलब जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने में बहुत समय लग जा रहा है, बहुत दूर हो जा रहा है चीज़ें। जय माता दी। और अब हम लोग आ रहे हैं केसरदा ढाबा में, तो यहाँ का बहुत फेमस है और ये अपना अमृतसर गोल्डन टेम्पल के आसपास ही है, बट यहाँ पर गलियों में ना बहुत ज़्यादा कंजेशन है, आपको पता नहीं चल पा रहा, तो उस चक्कर में तो अब हम लोग आए हैं यहाँ पर ऑर्डर करते हैं फटाफट, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो भैया से ऑर्डर करवा रहे हैं हम लोग, और अभी तो आएंगे। ठीक है जी, ओए भाई चूर चूर हो गए, ये तो चूर चूर ना, चलो जी थालियाँ थालियाँ थालियाँ, कैसा लगा भाई खाना वाना खा के? लोकेशन ऐसा था, केसरदा ढाबा के रिव्यू बताओ, बढ़िया खाना खा के कैसा लगा? बहुत बेहतरीन, जाम से बहुत बुरा हाल है भाई साहब यहाँ का, तो एकदम जाम ही जाम, जाम ही जाम। और अब हम लोग जाएंगे जलियांवाला बाग की तरफ।
तो दोस्तों ये है वॉर मेमोरियल, पंजाब स्टेट वॉर हीरोज नाम है इस जगह का। तो ये देखिए टिकट ले लिया, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत, यहाँ से टिकट लेते हैं, 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। ये है टिकट काउंटर की खिड़की, देखिए एंट्री बहुत खूबसूरत सी, और हम लोग एंट्री करते हुए यहाँ पे अपने टिकट वगैरह चेक करवाते हुए, ये देखिए जो रॉकी भाई चलाते हैं उसे रॉकी खड़े हो जाए इसके पीछे, ये देखिए फाइटर प्लेन, और देखिए ये तलवार है, देखिए बहुत बड़ी, सबसे बड़ी तलवार वर्ल्ड की सबसे बड़ी तलवार है, इसका हाइट दिखाया गया है।
तो भाई अपना वार मेमोरियल में हमने घूम लिया है, बहुत खूबसूरत था। और मैं पहले भी आया था यहाँ पे 2019 में, आज मैं आया हूँ 2024 में, कुछ सालों बाद मैं आया हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा है। देखिए शुरू में आते ही मैंने आपको दिखाया था एक फाइटर प्लेन था यहाँ पे। सो अब चलते हैं भाई, क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है और दिल्ली के लिए हम लोगों को निकलना है। थोड़ा सा दूर सफर तय करने के बाद अब हम लोग खैरा पंजाबी वैष्णो ढाबा में आ चुके हैं भाई। तो भाई खाना वाना खा के अब चाय वाय पी लिया हमने, पकोड़े खा के अब निकल रहे हैं यहाँ से। थोड़ा सा बचपना एंजॉय चल रहा है देखिए यहाँ पे तीनों का। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली में, वापस बैक टू दिल्ली, और समय हो गया अभी 4:27। रात भर ड्राइव किया हुआ है और अब यहाँ से हम लोग होंगे अलग अलग सबके सब। अब मिले थे तो काफ़ी अच्छा दिन कटा हमारा, और अब हम यहाँ से लेंगे एक दूसरे से विदा। और फिर कल वेनफे को भी बहुत ट्रैवल करना है वो भी अपने, और यहाँ पे कुछ हो गया अभी हाईवे पे, एक्सीडेंट हुआ है अभी, एक्सीडेंट हुआ किसी का, स्विफ्ट का, स्विफ्ट का हुआ, स्विफ्ट का एक्सीडेंट हुआ। इसमें कुछ है तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है, हो गया सब। साइड रोक दे, रोक दे, रोक दे, रोक रोक, तरना पड़ेगा क्या? ये तो इसको बंद। भाई गाड़ी का अभी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हाईवे पे, ये नींद का झोंका लगने से पलटी है गाड़ी, और काफ़ी ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ इसका। और भाई हाँ हुआ है यार, पलटी है गाड़ी, नींद आ रहा है। एनएसए को फ़ोन किया मैंने, चलो।